हेलो एवरीवन, कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। टुडे वी आर डूइंग रेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव डन एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 एंड 8। देन आफ्टर दैट आर एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। नाउ एग्जांपल नंबर 5, इट इज़ गिवन इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Up in this question, this is your figure. What is given to us? It is given to us that these are the two lines PQ and RS. ठीक है, now AD is the transversal. This AD is the transversal of these lines. This AD is the transversal of these lines. नाउ अब जब ये टू लाइन्स हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंड दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो द बाइसेक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर ये बी ई, एंड ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर ये सी एस। तो ये जो बाइसेक्टर्स गिवन है, दीज बाइसेक्टर्स आर पैरेलल एंड वी हैव टू प्रूव दैट these lines are parallel, means PQ parallel to RS we have to prove. और given क्या है parallel? This BE parallel to this CG. BE parallel to CG given है. अब क्योंकि ये इसका bisector है, BE is the bisector of this angle A, B and Q. Bisector का meaning क्या होता है? Two equal parts में divide करना. And this CG is the bisector of this angle B, C and S. तो बाइसेक्टर का वर्क क्या होता है? इस एंगल को, बी सी एस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन अ ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट टू लाइन पी क्यू एंड आर एस एट अ पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। रे बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड रे सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस एंड बी ई पैरेलल टू सी जी। हमको ये गिवन है बी ई पैरेलल टू सी जी, ठीक है, टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये हमको प्रूव करना है। नाउ फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट? फ्रॉम हेयर यू विल स्टार्ट दैट रे बी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये जो रे बी ई है, ये एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। मीन्स जो एंगल ए बी ई है, ये ऊपर वाला एंगल, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, इसको हाफ लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। देन हेयर रे सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ दिस बी सी एस, तो वी कैन राइट दिस एंगल, एंगल बी सी जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एस। जो आपका बी सी जी, ये ऊपर वाला जो एंगल है, ये हाफ ऑफ बी सी एस होगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ अभी दिस लाइन, दिस बी ई एंड दिस सी जी आर पैरेलल एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, ए डी इज़ द ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल लाइन्स को अगर हम और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन से एंगल बनते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अगेन आई एम शोइंग यू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ गिवन पैरेलल। ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ये पैरेलल हैं। अब इस बाइसेक्टर्स को अगर मैं इधर भी एक्सटेंड कर देती हूँ, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन से एंगल्स हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो मीन्स एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से, अब जब हमारे पास में एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी जी आ गया, तो हम यहाँ पे ए बी ई का हमारी वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन में? हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, तो ये हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू हो गया। और बी सी एस की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें? हाफ ऑफ एंगल बी सी जी की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, तो ये हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। देन एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी एस। अब ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये पूरा ए बी क्यू आ गया और ये पूरा बी सी एस आ गया। अब नाउ दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाती है? लाइंस पैरेलल हो जाती हैं,
ठीक है, लाइंस पैरेलल करने के लिए या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना होता है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करना होता है, और या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री करना होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री करना होता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि ये वाला एंगल ए बी क्यू और ये एंगल बी सी एस, इनको हमने कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव कर दिया। तो बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी सिंपल। इन फिगर 6.27 ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये ए बी लाइन है, ये इस सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। सी डी ए बी के भी पैरेलल है और सी डी ई एफ के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगी, तो ए बी आपकी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एंड ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ई ए जो है वो ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एंगल बी ई एफ 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ लुक इन द फिगर, हेयर ए बी पैरेलल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अब सी डी और ई एफ जब पैरेलल हो गया, और दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, दिस ई डी इज़ द ट्रांसवर्सल, तो वाई एंड 55 कौन से एंगल हो गए, वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। विच एंगल आर दीज, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 55, 10 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5 2 एंड 1, 125 डिग्री वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ओके। नाउ आफ्टर दैट यू विल टेक दीज टू लाइन, ए बी पैरेलल टू सी डी, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं एंड दिस बी डी इज़ द ट्रांसवर्सल, नाउ दिस एक्स एंड वाई, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस एक्स एंड वाई, व्हेन यू विल सी, टर्न द पेज एंड सी इट, देन यू विल सी कि दीज आर ऑन द सेम पोजिशन, और सेम पोजिशन वाले क्या होते हैं आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्स इक्वल्स टू वाई, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी पी। तो वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, वाई इक्वल्स टू 125 डिग्री, सो एक्स ऑल्सो इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो एक्स और वाई की वैल्यू वी हैव फाउंड, नाउ द वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ जेड। अब जेड की वैल्यू के लिए यू विल टेक दीज टू लाइन्स, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। देन सी डी सी डी कॉमन हो गया, तो ए बी पैरेलल टू क्या हो गया आपका, ई एफ हो गया। नाउ व्हेन ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, देन दिस 90 डिग्री एंड दिस जेड प्लस 55, विच एंगल आर दीज, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इन द ब्रैकेट यू विल राइट को इंटीरियर एंगल्स। नाउ देन सॉल्व इट एंड फाइंड द, सॉरी 90 प्लस जेड विल बी हियर, 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। नाउ देन सॉल्व इट, 90 प्लस 55 एंड देन राइट हैंड साइड में जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो वैल्यू ऑफ जेड विल बी योर्स 35 डिग्री, हियर वैल्यू ऑफ जेड विल बी 35 डिग्री, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, इन फिगर 6.37 इफ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, दिस क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पी आर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करना, एंड एंगल टी क्यू आर इज 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, एंड एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंगल, हेयर इट इज रिटन 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस ट्राइंगल क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इन दिस ट्राइंगल यू हैव टू एंगल्स, दिस वन इज एंगल टी इज 90 डिग्री एंड एंगल क्यू इज 40 डिग्री, एंड एंगल आर यू कैन फाइंड ईजीली बाई यूजिंग
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए एस पी ऑफ ट्राइंगल. देन वैल्यू ऑफ एंगल क्यू इज 40 डिग्री. एंगल टी इज 90 डिग्री एंड एंगल आर इज एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन ऐड करके 9 प्लस 4 13, तो 130. 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री. तो एक्स विल बी योर 50 डिग्री. ओके, नाउ आफ्टर दैट फॉर द वैल्यू ऑफ वाई. अब एज यू कैन सी दिस इज द ट्राइंगल ट्राइंगल पी एस आर इज अ ट्राइंगल एंड वाई इज आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. तो यू कैन यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दिस. तो y इक्वल्स टू व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर दिस 30 डिग्री एंड दिस x डिग्री. तो y इक्वल्स टू वी कैन राइट 30 डिग्री प्लस x. नाउ y इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. x इज 50 डिग्री. Then y equals to 80 degree means you have to put exterior angle property in this triangle and in the bracket you have to write the reason also ki y equals to 30 plus x exterior angle property. Okay, now this was your example number 7. Now example number 8. In figure 6.38, the side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. This is your figure. In this AB and AC of a triangle, side this side is AB and this side is AC. These are produced to E and D. ये side को E तक produce किया है, इस side को आपका D तक produce किया है. If bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD, ये आपका BO bisector है कौन से angle का? CBE, ये CBE का, इस वाले angle का bisector है ये BO, ठीक है? And CO is the bisector of angle BCD, angle BC and D, ये वाला angle BCD पूरा, ये वाला angle, इस पूरे angle का bisector है this one, CO, ठीक है? मीट एट अ पॉइंट ओ, ये दोनों बायसेक्टर पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं. देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी. नाउ वेयर इज बी ओ सी? दिस वन इज दिस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ बी ए सी. दिस इज योर बी ए सी, ये वाला आपका बी ए सी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी. इन दिस ट्राइंगल ए बी सी द एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? नाउ वाई प्लस जेड विल रिमेन हियर एंड एक्स वी विल टेक ऑन द राइट हैंड साइड 180 माइनस एक्स. देन divide to both the side y plus z upon 2 and 180 minus x upon 2, ठीक है? Now y plus z upon 2 इसको आपको separate कर लेना है. y upon 2 plus z upon 2 equals to 180 upon 2 minus x upon 2, ठीक है? separate कर लिया, right hand में भी separate कर लिया, left hand में भी separate कर लिया. ना इससे ये कैंसिल करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. मीन्स हमारे पास में क्या आ गया अभी यहाँ पे? y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस x अपॉन 2. अब बोथ द साइड अपॉन 2 क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमको प्रूव करना है उसमें यहाँ पे हमारे पास में अपॉन 2 है. और x को ही हम राइट हैंड साइड में क्यों ले गए? क्योंकि एंगल जो बी ए सी है, ये एंगल बी ए सी, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? एक्स गिवन है, इसलिए आपको एक्स को ही राइट हैंड साइड में ले जाना है, ठीक है? तो टिल हियर वी हैव डन. फर्स्ट सबसे पहले क्या किया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाया, ठीक है? देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री. एक्स को वी हैव टेकन ऑन द राइट हैंड साइड. देन डिवाइड बाय टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड में डिवाइडेड बाय टू कर दिया.
देन वाई, देन इसको सेपरेट कर दिया, वाई बाय टू प्लस जेड बाय टू, और ये आपका हो गया 180 अपॉन टू 90 डिग्री माइनस एक्स बाय टू. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर वन. अब यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को यहीं पे, इस ट्राइंगल वाले, इस ट्राइंगल को यहीं पे लीव कर देना है. नाउ इन नेक्स्ट ट्राइंगल व्हाट यू विल डू, यू विल कम हेयर, हेयर दिस एंगल एंड दिस फुल एंगल, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं आपके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर. जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या दिखेंगे, लीनियर पेयर दिखेंगे. तो आपको इस एंगल का नेम लिखना है एंड देन इस एंगल का नेम लिखना है. तो ये एंगल आपका कौन सा है, वाई वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फुल एंगल, एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लीनियर पेयर. अब ए बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वाई, और प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल सी बी ई आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई. देन सेम थिंग करनी है, बोथ द साइड आपको डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, टू कर देना है. अब सी बी ई हमारे पास में कितना एंगल, एंगल सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस वाई हो जाएगा आपका. अब बोथ द साइड आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय टू कर देना है. ये देखो, ये आपने ए बी सी की वैल्यू ली, ए बी सी प्लस सी बी 180 डिग्री, ए बी सी की वैल्यू आपकी वाई हो गई और एंगल सी बी ई सेम 180 डिग्री. अब डिवाइडेड बाय टू कर दिया तो हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया, हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया और हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो गया. वन टू एंड थ्री, इन तीनों टर्म्स में हाफ का मल्टीप्लाई हो गया, देन ये कैंसिल हो गया, 90 डिग्री आ गया. तो हाफ ऑफ एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 90 माइनस वाई अपॉन टू, ये 90 यही रहा और ये वाई अपॉन टू जो आपका है वो राइट हैंड साइड में ले गए. ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल सी बी ई को वी कैन राइट, सी इन द फिगर, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, ये आपका सी बी ई एंगल है, इसका हाफ वी कैन राइट दिस एंगल सी बी एंड ओ. ये पूरा आपका सी बी ई है, इसका हाफ हमने ये वाला लेना है क्योंकि ये ट्राइंगल बना हुआ है तो इनसाइड वाला एंगल लेना है. ठीक है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. अच्छा, उसके बाद में यू विल टेक दिस, दिस एंगल एंड दिस फुल एंगल, दीज आर ऑल्सो लीनियर पेयर. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपका जेड प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो आप, एंगल, वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल बी सी एंड डी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. सेम प्रोसेस जो हमने इस साइड में किया था लेफ्ट हैंड साइड में, सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड में करना है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू कर दो, हाफ ऑफ जेड प्लस हाफ ऑफ एंगल बी सी डी और 180 अपॉन टू, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. तो हाफ ऑफ एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 माइनस जेड अपॉन टू. और हाफ ऑफ एंगल बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी को यू कैन राइट दिस एंगल बी सी ओ, अंदर वाला लेना है. तो आप एंगल बी सी ओ की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये आपका पूरा बी सी डी एंगल है. ठीक है, अब इस हाफ ऑफ, ये पूरा बी सी डी एंगल है, इसके हाफ को आपको ये इनसाइड वाला लिखना है एंगल बी सी ओ. तो एंगल बी सी ओ की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, एंगल बी सी बी ओ या बी सी ओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस वाई बाई टू और इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस जेड बाई टू. ठीक है, नाउ अब उसके बाद में लास्ट स्टेप, आपको ये ट्राइंगल लेना है. विच ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, बिलो वाला जो ट्राइंगल है. अब इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगानी है. इसमें एंगल का नेम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल सी बी ओ प्लस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल बी सी ओ, ये बी सी ओ हो गया, प्लस व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल इज एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री ए एस पी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर टू में हमने एंगल सी बी ओ की वैल्यू फाइंड की थी और इक्वेशन नंबर थ्री में हमने एंगल बी सी ओ की वैल्यू फाइंड की थी. वो दोनों वैल्यूज़ को हमको यहाँ पे पुट कर देना है क्योंकि हमको एंगल बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो, लुक इन द क्वेश्चन,
एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, तो इसका मतलब हमको एंगल बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी ओ सी आपका सेम रहेगा और बाकी की वैल्यूज हमको पुट कर देनी है। तो ये आपका हो गया सी बी ओ की वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू में आई थी 90 माइनस वाई बाई टू, और बी सी ओ की हमारे पास में वैल्यू आई थी थर्ड इक्वेशन में 90 माइनस जेड बाई टू, एंड दिस विल रिमेन सेम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ 90 प्लस 90 आपका 180 डिग्री हो गया, एंड माइनस और माइनस, ये माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो इन द ब्रैकेट यू विल रिमेन विथ वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू, ये माइनस का साइन आपका प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180, दिस विल रिमेन सेम। नाउ एंगल बी ओ सी विल रिमेन हियर सेम 180, और ये 180 यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव और उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, ये पूरा माइनस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का वाई बाय टू प्लस जेड बाय टू आ जाएगा, देन 180 टू 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल रिमेन विथ एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू वाई बाय टू, ये आपका कैंसिल हो गया, तो वाई बाय टू प्लस जेड बाय टू ये आपका बचेगा, वाई बाय टू प्लस जेड बाय टू। नाउ अब जो ये वाई बाय टू प्लस जेड बाय टू आया, इसकी वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन नंबर वन में है। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन जो हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाया था, ये आपका इक्वेशन नंबर वन था। तो y बाय टू प्लस जेड बाय टू की वैल्यू आपके पास में है 90 माइनस एक्स बाय टू, तो y बाय टू प्लस जेड बाय टू की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है 90 माइनस एक्स बाय टू, ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, अब 90 सेम रहा, वन बाय टू आपने बाहर ले लिया, और x एंगल x आपका फिगर में है एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये आपका हैंड्स प्रूव्ड हो गया, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 माइनस वन बाय टू एंगल बी ए सी, ये फिगर में यू कैन सी इन द फिगर, फिगर में एंगल x जो है उसको हमने लिखा है बी ए सी, तो x बाय टू को आप क्या लिख सकते हो, वन बाय टू आपने बाहर ले लिया, और एंगल x को आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी ए सी। तो दीज आर एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 and 8, डू दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक, दीज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टूडे यू हैव टू सबमिट योर एक्टिविटीज, बोथ द एक्टिविटीज, एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4, मीन्स चैप्टर 6 की एक्टिविटी एंड चैप्टर 7 की एक्टिविटी यू हैव टू सबमिट, अपलोड ऑन चिनार ऐप टुडे इटसेल्फ। थैंक यू।